भाई बहु बात है छोरे ने भूल गई छोरा भूल रोटी तो बहु खिलावे गरम गरम बता बढ़िया लगे क्यूट लगे कितने क्यूट काम इसके काम देखो भाई इसके ओए टोकरी में बैठ गया थी जब गर्म लग रहा था टोकरी में चप हो गया हेलो गाइस वेलकम टू माय व्लॉग और आपका स्वागत है कनिका राणा व्लॉग्स चैनल पे। आज आप सबको एक बात हाँ हाय हेलो हेलो कर लो रोहित से और रोहित से याद आया आज आप सबको रोहित की एक बात बताती हूँ। रोहित को एक दिन से ऊपर हो गया है मसूरी से आए लेकिन रोहित ने जो बैग लेके गए थे रोहित उन्होंने अभी तक खोला ही नहीं है वो बैग। अरे यार कहने का मतलब व्लॉग में मतलब एक या तो मतलब ये देखो ना कितना नवाबा कह रही हूँ कि या तो वाइफ ही आके खोलेगी या मम्मी खोलेगी। अब तक मम्मी बैग खोलती थी अब वाइफ आ गई है तो वाइफ बैग खोलेगी। इसका जवाब मांग रही है मतलब जनता कि ऐसा क्यों अभी तक बैग क्यों नहीं खुला है। कल मैं तेरे बैग खोले तो सुधरता आई ना माई के दाई मतलब मेरे बैग खोलने में इतने बिजी थे अपना इसलिए कल बेटे पूरा बैग सुनवाया तेरे ये ले मिल गए। झूठ झूठ कल आप पिछले व्लॉग में देखा होगा बैग बेड पूरा कैसे भरा था सामान के साथ कुछ भी नहीं किया रोहित ने सारा अकेले मैंने किया था। अभी इसका बैग लेके आती हूँ दिखाती हूँ आपको कि ये ट्रिप पे क्या क्या लेके गया था। तो गाइज ये ना रोहित का बैग और कुछ भी नहीं लेके जाना होता लड़कों को गिनती के दो जोड़ी कपड़े हैं इसके अंदर देखो दिखाती हूँ। दो जोड़ी ना है ज्यादा है। ये क्या है ये मेरे दोस्त का है मेरा झूठ चूरन की गोलियां चार्जर भी नहीं निकाला मतलब मैं आ गई तो मेरा चार्जर यूज करना है ना अपना भी निकाला। हाँ ये कपड़े वॉर्मर चलो वॉर्मर तो लेके गए हुए थे। ओहो लिप बाम भी लेके गए हैं। अरे यार करने का मतलब सही में हाँ हाँ ये मेरी ना है भाई ये इसने जान के दरी है झूठी इतनी गोलियां ये दवाई वो थोड़ा सर्दी हो गई थी वहाँ बैग या दवाई की दुकान ये पहले की मतलब इस बैग को है ना दवाई की दुकान बना रखा है रोहित ने। बैग को तो दवाइयों की दुकान बना ही रखा है और अब इस घर को भी दवाइयों की दुकान बना दिया है रोहित ने। जिस ड्रॉर में देखूं उसी में ही दवाइयों की मतलब दवाई निका बेटा जो बीमार ज्यादा रहा है इसलिए दवाई रखी है इसने हर सर्दी बीमार हो जाता जुकाम पे हो जाता ही इसको। ये मम्मी वीक है अंदर से इम्यूनिटी वीक है रोहित की तो मेरे पास इसका सोल्यूशन है एक कल एक चीज लेके आई थी वो दिखाती हूँ आपको भी। तो गाइस इसका सोल्यूशन है डाबर चमन प्राश। तो अब से रोहित को हम डाबर चमन प्राश खिलाएंगे क्योंकि इसमें 40 से भी ज्यादा हर्ब्स हैं जो आपको बीमारियों से दूर रखती हैं। तो रोहित को भी हम बीमारियों से दूर रखेंगे क्योंकि मैं तो बचपन से डाबर चमनप्राश खा रही थी और अब से रोहित भी खाएगा क्योंकि ये सिर्फ आपको ही नहीं पूरी फैमिली को बीमारियों से दूर रखता है। ओके गाइस तो डेली डाबर चमनप्राश लो मैं भी स्टार्ट करूंगा आज से और मम्मी की सेहत खराब जाइयो मम्मी की मम्मी कभी भी बीमार नहीं होती है बहुत कम बीमार होती इससे नॉर्मल खांसी जुखाम जैसे अब वेदर चेंज हो रहा है तो वेदर चेंज होगा तो ये आपको प्रोटेक्ट करके रखेगा आपको बीमार नहीं होने देगा डाबर चमनप्राश। मुझे तो बहुत टेस्टी लगता है चमनप्राश मेरी तो इम्यूनिटी स्ट्रांग थी अब से रोहित की भी डाबर चमनप्राश खा के इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी। तो इसको आप 2 चम्मच खाओ डाबर चमनप्राश को और अंदर से स्ट्रॉन्ग हो जाओ। फिर सारे घूम को गाइस आज रोहित ना आया नहीं है। अरे यार मेरे को बुखार था इसलिए यार अच्छी बात कर रहे हैं ना मैं की दिक्कत ले आऊंगा आलू मत कोई बात ना बेटा ओवर एक्टिंग 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग आज मम्मी कूल लग गया ना रोहित
तो गाइस आज हम सरप्राइज करेंगे हर्षा को और चुन्नू को, आज हम सारे जा रहे हैं। और ये देखो भाई मम्मी घी का डंग लग रही है, खाना खाएंगे। मम्मी की आवाज बहुत ज्यादा आ रही है भाई। और आप क्या पहन के जाओगे मुझे बताओ, क्या पहन के जाओगे? मम्मी दामन पहन के जाओगे। अरे भाई कनी का आज कैसी लग रही है बताओ? अभी मैंने स्पेशल ले लिया। ये कॉम्बिनेशन क्या है वैसे? ये शूज बहुत क्यूट है यार, ना शूज कह रहा हूँ चप्पल है। थैंक यू। और मम्मी देख लो भाई, मम्मी की डाइनिंग टेबल। यार ये जलेबी कौन लेके आया? मम्मी ये काम भी करते हो? मम्मी आप मेरे लिए लेके आई है स्पेशल बहू के लिए। ओके भाई बहू आते हैं, छोरे ना भूल गई है, छोरा भूलने तो ना देवे। शट अप, रोटी तो बहू खिलावे गरम गरम बता पूरे। देखा सही बात कह रहे हो। तो गाइस अभी वीडियो बनने से पहले मेरे को खाने के लिए बुलाया जा रहा था और अब मेरे से पूछा भी नहीं जा रहा वीडियो के बाद। वीडियो चालू आपने देख लिया होगा, वीडियो के आ रहा है वीडियो। मैंने बोला है कि रोहित आपका खाना ठंडा हो रहा है, खा लो। ओके मम्मी ने भले ही सुन ली पर रोहित ने नहीं सुनी, खाना ठंडा हो रहा है। ओके गाइस अब मिलते हैं चुन्नू के पास सीधे। तो गाइस टाइम बताने के चक्कर में हमने यहीं पे अपनी डाइनिंग टेबल खोल ली और देखो भाई ये रोटी मेरी या मम्मी की, और कन्हैया की गाड़ी मिल लगी। कन्हैया का यहाँ पे टाइम है ही नहीं खाने के लिए, तो मिलते हैं अब गाड़ी में। ये भाई किमी की शिफ्ट चेंज हो गई, ये मम्मी की शिफ्ट आ गई और ये 8 घंटे की शिफ्ट यहाँ चलती रहती है। और सेम प्लेट में हम तीनों ने खाना खाया अभी। कितना प्यार है सासू में, नजर लग जाएगी, सब कुछ नहीं बताना चाहिए। गुण 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 जल्दी कर लो यार, बहुत लेट हो गए कनी का। हम लेट कर रहे हैं। मैं तो भाई मेरी तो गाड़ी स्टार्ट है, बस रेस देनी है। तो गाइस मम्मी रेडी हो गई हैं और मम्मी का ये आउटफिट है आज। कैसा लग रहा है आपको सरप्राइज हम देने जा रहे हैं? मम्मी ने कह दिया अच्छा लग जाता पर कुछ ना है, हम जाओगे क्यों मम्मी? हर्षा कल कुछ सामान भूल गई थी इसलिए हम जा रहे हैं, तो हमारे पास बहाना भी है ना। और ये शख्स पिछले 3 लाख घंटे से खाना खा रहा है, कितना भी खाए बरता ही नहीं इसका। वही है एप्सिलन, अच्छा परफ्यूम है। देखिए हम चीज अच्छी लेके आते हैं। बर्फ पड़ा है बाहर, इनका समझ में ना आवा। आपने अंकित कह दी दोनों साहस वो भाई, एक तो एक तो ऊपर एक है नूगो ना, क्या है काम मना करे कुछ करे है बहू जो काम कर दी सास ना ना न्यू नहीं इस तक और ऊपर काम करो है ना। गाइस हम अपने मिशन के लिए निकल चुके हैं और जाते हमला कर जाएंगे। यस कुछ रहता नहीं क्या, कुछ तो मिसाइल रहेगी वाड़े छूट गई हो। नहीं मिसाइल अब छोटो मकल सुबह दे आऊंगा। हम अभी भी जा रहे हैं लेकिन हम अगली जाने की हमने तैयारी पहले ही कर ली क्योंकि हम खुद चीजें छोड़ छोड़ के जा रहे हैं घर पे। वही छोटी मोटी बंदूक रह गई थी एक दो उनका था कुछ ना। हम पागल नहीं है भैया, इन दोनों का दिमाग है खराब भैया। मम्मी ने क्या एक्टिंग कर दी भाई। भैया वीडियो बुलवाने दे रहा मम्मी, तो हमने कुछ 4-5 बार समझाई और फिर मम्मी ने शुद्ध हिंदी में कह दी, मम्मी हरियाणवी में बोलो इन दोनों का दिमाग खराब है। हम पागल नहीं है भैया, इन दोनों का दिमाग खराब है भाई। है भाई नहीं ये बाप नहीं क्या अर्थ गाय जो की भाई भाई कह गया था आपको कहाँ से पड़ी है।
अब पता लग गया कहां से बड़ा है। जेनेटिक लग गया मन तो भाई। नहीं फिर भाई। तो भाई गरम गरम गुलाब जामुन करवा दी भाई ने, बढ़िया गरम कर दी रिक्वेस्ट पे कर दो, और मस्त सरप्राइज हो जाएगा। बाहर ये वेट करने लग रहे हैं, और यह सीधी गली जा है चुन्नू वर्ग, बस एक मिनट का रास्ता रह गया। बढ़िया रस गाल दियो। और गाइस हम पहुंच गए हैं, कदे सरप्राइज की किसी ना हो जाए क्योंकि कैमरा लगा रहे हैं हर शहर। मम्मी देख डर रही है ना, बैठ जाओ बैठ। अरे डर क्यों रहे आप? मम्मी नो गाइस टाइम ना जा यार, किसी के नो ना होया यार। आ गए सीधा कैमरा चुन्नू पे, देख मम्मी ने कैच के लिए आने लग रही है कि नहीं। जल्दी आ जाओ ना, कैमरे में देख लेंगे ये। हेलो। अरे यार ये कैमरे तो भाई इनका सर्वर में लेना पड़ेगा, फिर अपने आप बंद कर दूंगा पहले। आए नहीं नहीं आ ए नमस्ते बोल लगे आला मत। हेलो कर दिया भाई। अमन सोचे मगर शाह ऊपर तली गई होगी, मगर आज ऊपरले रूम में जागा ना, अरे बड़े सरप्राइज देंगे। नानी ने गणी याद आओ देगी। ऐसे ले ले खड़ी रहेगी पेस्ट्री एंड गरम गरम गुलाब जामुन एंड बहुत सारा प्यार। इसके काम देखो भाई इसके, ओए ईटो क्रीम बैठ गया थी जब गर्म लग रहा था, ईटो क्रीम टप हो गया। ओए जितने उल्टे काम है ना इसको सारे वो पसंद है, ये भी इसका है जो ऊपर का आ रहा है जैसे। भाई ने सारा हमारा प्लान फ्लॉप कर दिया इन कैमरे में देख के। इनकी कनेक्टिविटी लेनी पड़ेगी मैंने, जब भी आऊंगा इन्हें इन्हें बंद कर दूंगा अगली बार। दोबारा करियो, मैं दोबारा करियो। एक कर दो फिर, एक भाई एक कर दो जांच, एक जांच कर दे देख। ये देख लो भाई उजड़ी हुई उजड़ी हुई रियासत का बोल तो गाने आ रहे हैं। हाय सर यहां से मेरे सेट मोड ऑन हो रहा है इसका। अलेक्सा दर्द में इसको चलाओ। अरे यार तुम ना अलेक्सा ना कंफ्यूज कर दी। अलेक्सा है पागल। अमित ढोल ऑन अमेज़न म्यूजिक। बाय गाइस बाय। चाबी दी खाने मैं जाऊं बाहर लॉन्ग ड्राइव पे। ये ओ तो गाइस आज हम टाइम पे आ गए। आइए मैम आइए आइए। तो गाइज आज हम टाइम पर आ गया, हमारा गेट खुला पा होगा ना, तो हमारे किराएदार बंद कर दे गेट ने। लाइट बंद है, बंद आज भी ओ तेरी गए। आज आज तो आज तो हम टाइम पे आए थे यार तीनों भाई।
आज हम तीनों टाइम पे थे। घंटी बजा दो। ये वाली है। हाँ। दूसरी खराब हो गई है। योके हो गया हमारी गली। आगे आगे आगे। गेट खोल दो। तो गाइस हम आ गए हैं घर और आज मैंने दो कमेंट चूज किए हैं। एक शर्मा जी का जो है ये, और आज बहुत अच्छी बात बोली आपने, आगे से हम भी ट्राई करेंगे कि मैं रोहित के व्लॉग पे कमेंट करूं और रोहित मेरे व्लॉग पे कमेंट करेगा। तो आगे से आपको जो भी व्लॉग्स दिखेंगे उस पे हम दोनों के कमेंट्स भी होंगे, तो आप वो भी देखना कि हम क्या करेंगे। और दूसरा मैंने लिया है कोमल सैनी जी का। थैंक यू सो मच कोमल, आप इतना प्यार दिखा रहे हो, आप सब इतना प्यार दिखा रहे हो, मुझे बहुत खुशी होती है। इसलिए अगर बाई चांस व्लॉग लेट आता है ना तो मुझे दुख होता है कि मैं क्यों लेट कर रही हूँ। लोग अपने हाथ में लेके बैठे होंगे फ़ोन, तो मैं पर काम में बिजी हो जाती हूँ कई बार, समझा करो, थोड़ा नेटवर्क इशू हो जाता है तो लेट हो जाते हैं। बाकी मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि करेक्ट 6 बजे व्लॉग आ जाए। और आपने तो नोटिस किया होगा, जो बिल्कुल भयंकर वाले व्यूअर्स हैं, बिल्कुल प्यारे हैं मेरे, कि मैं 6 बजे से पहले भी डाल देती हूँ। कई बार व्लॉग एडिट हो जाता है टाइम पे तो मैं पहले डाल देती हूँ। तो गाइज थैंक यू, ऐसे ही प्यार दिखाते रहो। ये था मेरा आज का व्लॉग, आई होप आपको पसंद आया होगा। बाय, गुड नाइट।